दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों आज हम लोग खेलने वाले हैं टॉप 5 इंडियन गेम्स और हमारा सबसे पहला गेम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D और आप लोगों को मिल जाएगा एक फर्स्ट क्लास बंगला, साथ में ही कुछ डायनासोर के बच्चे भी भाई, और इधर तो गधे भी खड़े हुए हैं, लेकिन ये गधे नहीं है भाई, ये तो घोड़िया है। और आप लोग भाई चिट कोड की मदद से बहुत सारी कार वगैरह बहुत कुछ मंगा सकते हो, लेकिन भाई इस गेम को तो अब बच्चा जानता है। चलो भाइयों इस गेम को छोड़ते और हम लोग चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा इंडियन गेम और इसका नाम है इंडियन बॉय SRC। चलो इसको जल्दी से प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा गेम है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, यानी हमारा जो तीसरा नंबर का गेम है वो इससे भी ज्यादा अच्छा मिलता है ये कैरेक्टर। वैसे एक सेकंड भाई, ये मेरे को कहीं से भी इंडियन तो नहीं लग रहा, ये मेरे को अफ्रीकन जरूर लग रहा है, लेकिन पता नहीं भाई ये इंडियन गेम्स के अंदर अफ्रीकी लोग कहां से आ जाते हैं। वैसे इसके पीछे भाई इतनी बड़ी LED भी लगी हुई है जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे भाई मेरे को यानी कोई भी नजर नहीं आ रहा अभी, पता नहीं भाई सारे के सारे गांव वाले कहां पे चले गए। भाई कोई है क्या इस गेम के अंदर? हाँ मेरे को बस दिखी भाई, शायद उस बस के अंदर कोई ना कोई तो होगा। जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पे भाई इसके अंदर चिट कोड की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें भी बुला सकते हैं, लेकिन मेरे को चिट कोड ही तो नहीं पता ना। अरे ट्रक भी है भाई, क्या हम लोग चला सकते हैं क्या ट्रक? रुक जा भाई, ठोकना मत। अरे ये किधर गया भे? हम लोग तो भाई कौन सी दुनिया में पहुंच गए मेरे को नहीं पता। अरे भाई लगता है कि ये तो ग्लिच हो गया, इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो भाइयों हम लोग दोबारा से गेम में आ चुके हैं और मेरे सामने पता है क्या है भाई, हमारा इतना बड़ा तिरंगा जो कि भाई मैंने किसी भी गेम के अंदर नहीं देखा, ये तो सच में है भाई। और यहाँ पे इमोट वगैरह भी है, चलो मैं इमोट करके देखता हूँ। ओ भाई ये तो हमारे तिरंगों को सलाम भी करता है, ये तो सलाम भी करता है। चलो भाइयों इसको तो हमने यानी ये तो काफ़ी अच्छा है, और अभी हम लोग यानी किसी कार के अंदर बैठेंगे भाई, क्योंकि इस गांव के अंदर तो कोई भी नहीं रहता, मेरे को दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, अब पता नहीं क्यों भाई ऐसे। चलो दोस्तों अभी हम लोग चलाएंगे एक मस्त वाला ट्रक। अभी इस ट्रक क्यों रुका हुआ है, वैसे ये ट्रक रुक क्यों गया? ओह यहाँ पे तो भाइयों अभी हम लोग चलाएंगे ट्रक, लेकिन ट्रक चलाने से पहले भाई ये घोड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई। अच्छा तो हम लोग घोड़ी भी चला सकते हैं। ओ भाई घोड़ी के ऊपर देखो जय श्री राम लिखा। चलो भाइयों झंडा लेके जाएंगे दूसरी तरफ, अभी देखते हैं कि उधर सच में भाई बहुत खतरनाक बारिश हो रही है क्या, ऊपर से बर्फबारी हो रही है, काफी अच्छा मौसम लग रहा है मेरे को इस गेम में। चल भाई ये छलांग क्यों नहीं मारता? अरे भाग गया वो तो घोड़ा, देखा आपने? अरे रुक जा, मेरे को छोड़ के कहां पे जा रहा है, अकेला ही जा रहा है वो। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं हमारे तीसरी गेम की तरफ और वो तो भाई काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि उसके अंदर भाई साउथ वाला एक्टर भी है। चलो दोस्तों अभी वही प्ले करते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा इंडियन गेम है सरकार इन्फिनेट और इसके अंदर जो कैरेक्टर है ना वो भाई साउथ वाला हीरो है, यानी ये मैंने इसका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये एक मूवी के अंदर सुपर हीरो बना था। चलो जल्दी से अपना गेम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने पे हमें यानी बहुत सारी ड्रेसेस मिलती है, लेकिन अभी तक भाई ये लॉक पड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास में इतने डायमंड नहीं है। चलो भाइयों ये वाली ड्रेस ही पहनकर हम लोग गेम को प्ले करते हैं, देखते हैं कि भाई ये वाला गेम कैसा होता है। चलो भाइयों गेम स्टार्ट होने वाला है। तो भाइयों हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और इसकी एंट्री जबरदस्त है भाई, ये तो एकदम साउथ वाली मूवी की तरह है। ए भाई हमारे हीरो को मारेगा कोई नहीं मार सकता, क्योंकि भाई इतना दम किसी में नहीं है। वैसे हमें बस यही देखना है कि भाई खुद को नहीं खेलना क्या। चलो भाई अभी खेलने के ऑप्शन आ चुके हैं और मैं इन दोनों की धुलाई करने वाला हूँ। वैसे भाई ए मारे मत भाई, ये लोग तो मारते भी है रे, मैं सोचा कि ये लोग मारेंगे नहीं। ए भाई अभी तुम नहीं बचोगे, मेरे को यानी मारना सीखना पड़ेगा जल्दी से। वाओ ये तो भाई बहुत खतरनाक मारता है बे, यानी जिसको भी फाइटिंग गेम पसंद है ना भाई वो ये वाला गेम जरूर ट्राई करे, सच में भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं किधर मार रहा हूँ, अब आया ना पंगी, यानी अब सही है। चलो भाइयों यानी इसका कैमरा कुछ ज़्यादा घूमता है, इसके पास तो लकड़ी भी है रे, उतना कौन मारता है, हमारा हीरो तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। चलो भाइयों मैं जल्दी जल्दी सारे के सारे बटन दबा देता हूँ और इसकी सच में बैंड बन चुकी है, क्या गजब का हीरो है रे, ये लोग तो गए काम से। अभी और कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? अरे भाई यानी और कुछ भी कर सकता था लेकिन मेरे को पता नहीं चला। चलो भाइयों ये लोग लकड़ी लेके आए थे लेकिन हमारे हीरो ने तो हाथों से ही काम कर दिया। चलो भाइयों तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अभी बंदूक लेके थोड़ी आओगे भाई, बंदूक लेके आओगे ना? ओ ये मेरे को बुला रहा है, आजा भाई आजा, मेरे को यानी बुलाएगा। हम लोग इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है भाई, गेम जरूर फर्स्ट टाइम खेलते हैं, लेकिन तुम सबको मैं अकेला फेड़ दूंगा। ये भाई फपेट चुके हैं हम लोग बिल्कुल शेर, एकदम शेर की एंट्री है रे भाई। ओ मैं भी लॉक कर सकता हूँ भाई, लॉक करना? अच्छा हम लोग कैसे लॉक कर सकते हैं, वाह
क्या ही फटकी मारा वैसे तो। चलो भाइयों, ये लोग तो भाई ऐसे ही आते जा रहे। अभी हम लोग चलते हैं हमारे चौथे गेम की तरफ, जो कि भाई इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। वैसे ये भी काफी अच्छा है। मैं भाई अभी मैं मर चुका हूँ क्या? अच्छा, अभी एड देखेंगे तो हम लोग दोबारा से जिंदा भी हो सकते हैं। चलो भाइयों, इसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं हमारे चौथे गेम की तरफ। तो दोस्तों, हमारा चौथा इंडियन गेम है मीना 2, और इस लड़की का नाम ही शायद मीना है। वैसे मैंने भाई मीना फर्स्ट नहीं खेला, मैं डायरेक्ट मीना 2 खेल रहा हूँ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी यहाँ पे भाई बहुत सारे चैप्टर्स है। अरे भाई, इतने सारे चैप्टर्स, वैसे अभी तक मैंने पहला भी चैप्टर पूरा नहीं किया है। चलो भाइयों, यार ये वाला गेम है ना भाई, फुल्ली यार विलेज का लुक देगा। चलो हमारे पास में तो पोपटवा भी है रे, ये तो भाई मीना का पाला हुआ है। चल भाई जल्दी से चलते हैं। और इसमें से हमारा घर कौन सा है? ओ, वहाँ पे मेरे को कुछ तो बता रहे हैं ये लोग, मेरे को शायद यहीं पे जाना है। ये मेरे को मीना की दादी जी लग रही है, और ये साइड में बाल्टी पकड़ के खड़ा है ना, ये शायद मीना के पिताजी है। भाई दादी जी ने बहुत सारे काम दे दिए भी एक साथ। यार इतनी सी लड़की को इतने सारे काम कौन देता है रे? चलो भाइयों जल्दी से भागते हैं, पोपटवा मेरे पीछे पीछे आएगा। यानी यार ये सही चीज़ है भाई, मैं इसको सही चीज़ मानता हूँ कि इस लड़की ने इसको खुला छोड़ रखा है। वरना भाई आजकल के लोग तो भाई यानी पेरोट को भाई वो उसके अंदर बंद करके रखते हैं ना पिंजरे को। मेरे को यहाँ पे लोकेशन मिली, शायद इस गाय को ये चारा खिलाना है। चल भाई गाय जल्दी से चारा खा, यानी मीना के पिताजी को दूर निकालना है और हमें इसको चारा खिलाना है। वैसे ये खुद से भी तो खा सकती है ना। अरे भाई इसको तो गुस्सा आ गया ऐसा बोलने पे, ये खुद से नहीं खा सकते, इसको खिलाना ही पड़ेगा। वैसे भाई ये मेन बात नहीं थी, इसको मेरे को यानी चारा खिलाने के साथ साथ मक्खियाँ भी उड़ानी थी। इसके पीठ के पीछे देखो भाई, यार पीठ के ऊपर मक्खियाँ है ना, इनको भी उड़ाते जाना है, वरना फिर से भाई हमारा दूध धुल जाएगा। ए भाई जल्दी से निकालो यार, मीना के पिताजी जल्दी से दूध निकालो यार। मेरे को एक ही काम थोड़ी है, अभी तक तो मुर्गियाँ भी पकड़ ली जानी है या फिर उनको मारने जाना है, वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ भाई, तू जल्दी से निकाल ले भाई, जल्दी जल्दी। चलो भाइयों, हमारा काम पूरा हो चुका है और मीना के पिताजी दूध लेके जा चुके हैं। भाई कम से कम 2 बाल्टी जितना दूध निकाल लिया, लेकिन मेरे को उस बाल्टी में दूध नहीं दिखा। चलो हमें यानी दादी जी ने काम दिया था मुर्गी पकड़ने के लिए, अभी मुर्गी को मेरे को पकड़ना है कि क्या करना है। चलो भाइयों जल्दी से भागता हूँ, इधर ही बता रही थी लोकेशन। ओ मुर्गी मेरे को दिख चुकी है, आ जा भाई मुर्गी, दादी जी तेरे को बुला रही है। अरे ये तो भागती है रे, तू भाग कर जाएगी किधर? मैं तेरे को पकड़ जरूर लूंगा, मेरे को जंप मार के जाना पड़ेगा। चलो भाइयों मुर्गी थक चुकी है शायद से, नहीं थकी भाई, इसकी लाइट अभी भी भरी हुई है। तू भाग नहीं सकती मुर्गी, किधर जाएगी रे? अरे अभी मेरे को जल्दी से भाई इस पिंजरे को उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर डालना पड़ेगा, वरना वो फिर से भागने लग जाएगी। अब भाग के दिखा मेरे को, मुर्गी तो अपने आप चली गई रे। अभी ये लड़का किधर जा रहा है भाई? इसके हाथ में ये कौन सा हथियार है? मेरे को किधर जाना है वैसे? चल मीना तेरे को यहाँ कहाँ पे जाना है रे? अभी मेरे को मछली पकड़ने के लिए जाना है, लेकिन मैं मछली थोड़ी पकड़ूंगा भाई, इसमें तो बहुत सारा काम देते हैं रे दादी जी। चलो दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल गेम की तरफ, यानी हमारे पांचवें इंडियन गेम की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पांचवा इंडियन गेम है मेड आउट टू बिग सिटी टाउन, यानी ऐसा इसका नाम है। बिग सिटी ऑनलाइन है भाई, टाउन नहीं है। तो भाइयों हमारा पांचवा गेम है मेड आउट टू, ये भी भाई फुल्ली इंडियन गेम है। चलो दोस्तों हम लोग इसको खेल के देखते हैं कि आखिर ये कैसी है। वैसे भाई इस यार ये गेम भाई पूरा 1 GB का गेम है। वैसे मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, इतना ज्यादा धुंधला कैसे हो गया? लगता है कि भाई मेरी आंखें खराब हो चुकी है। नहीं मेरी आंखें तो भाई यार सही तो है, लेकिन इसके ग्राफिक मेरे को देखना पड़ेगा, इसके ग्राफिक मीडियम है, मैं हाई कर लेता हूँ। लेकिन हाई भी नहीं भाई, हम लोग वेरी हाई के अंदर खेलने वाले हैं। इसको भी मैं हाई कर लेता हूँ भाई, सब चीज़ें इसकी मैं हाई कर लेता हूँ, ताकि हमें ग्राफिक्स समझ में आए कि इसके ग्राफिक कैसे है। चलो ग्राफिक तो हाई हो चुके हैं। और ये क्या चीज़ है भाई, कार मिल गई क्या हमें? स्किप करो रे भाई इसको। दोस्तों मैंने यानी ग्राफिक को वेरी हाई पे रख लिया है, लेकिन फिर भी भाई मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों भाई? चलो कोई ना भाई, हम लोग प्ले करते हैं अपने गेम को। तो भाइयों स्टोरी मोड चालू हो चुका है मेड आउट टू का, देखते हैं कि भाई ये गेम कैसा है। फुल्ली 1 GB का गेम है, शायद उससे ज़्यादा ही होगा। अरे भाई काफ़ी मस्त गेम है ये तो। कौन है भाई, पुलिस वाला है क्या? चलो इसको मारता हूँ मैं पुलिस वाले को। भाई किधर जाएगा? हमारे पीछे लग चुकी है 2 स्टार की पुलिस, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई। इतने घटिया ग्राफिक कैसे बना सकते हो तुम?
यानी मैं भाई वेरी हाई पे खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ओह अब ये पुलिस वाला किधर आया रे, तेज आया यार ये पुलिस वाला तो मेरे सर के ऊपर चढ़ गया। भाई भाई मारना नहीं तेरे को उस गन, यानी गाड़ी के अंदर बैठना है तेरे को यार, तू मार मारना नहीं इधर, मैं भगाता हूँ इसको जल्दी से। अरे बाप रे इन लोगों ने तो पकड़ लिया मेरे को, वाह भाई वाह, गेम की पुलिस तो बहुत डेंजर है रे, मेरे को इसके अंदर बैठना है, जल्दी से बैठना चाहूँ और भी पुलिस आ रही है भाई, इतनी कितनी पुलिस इस गेम के अंदर, मैं भगाता हूँ। अरे भाई क्या क्या दबरा है मेरे, अरे अरे भाई बहुत कुछ है भाई गेम के अंदर, भाई मैं तो इस गेम से नीचे ही उतर जाता हूँ, कार तो चलेगी नहीं मेरे को पता, मार दो भाई मार दो मेरे को मारो भाई, तुम्हारी आवाज़ सुना हुआ। तो भाइयों हम लोग तो भर चुके हैं, वैसे गेम आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, इन पांचों गेमों से आपको कौन सा गेम अच्छा लगा, यानी जो भी अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, ये गेम भी काफ़ी अच्छा है अगर ग्राफिक थोड़े बहुत और अच्छे हो जाते तो, यानी जितनी GB का ये गेम है ना उस हिसाब से भाई ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं है। कोई नहीं भाई ये गेम अभी प्रोग्रेस में है, बाद में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो भाइयों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा हो तो भाई जल्दी से कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।